आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही चटाकेदार मसालेदार चना दाल चाट की रेसिपी। लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते और कई दिनों से वो स्ट्रीट वाले फूड को हम मिस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो स्ट्रीट वाली चना दाल चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चना दाल चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए एक बाउल चना दाल की नमकीन। ये नमकीन आपको मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये चाट शायद आपने पहले ट्राई नहीं किया होगा तो मैं आज बताती हूँ, बहुत ही टेस्टी बहुत चटाकेदार बनेगा। इसमें अब मैं कुछ वेजेस ऐड करूंगी। मैं डालूंगी आधा छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा सी प्याज 2 चम्मच बारीक कटा हुआ, थोड़ी गाजर 2 चम्मच ग्रेट कर कर लिए मैंने गाजर को, थोड़ा सा कुकुम्बर काकड़ी ये भी मैंने बारीक कटी हुई लिए। सारी सब्जियां हमें बारीक चॉप कर लेनी है। अब डाल देती हूँ कुछ मसाले। मसाले में डालूंगी चाट मसाला 1/4 स्पून, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सी डालूंगी नमक, बिल्कुल थोड़ा सी डालना है क्योंकि चना दाल नमकीन में भी नमक होता है और चाट मसाला डाला उसमें भी नमक होता है, तो ध्यान रखकर डालेंगे नमक। 1 चम्मच डालूंगी ग्रीन चटनी, 1 चम्मच खट्टी मीठी इमली की चटनी। अब डाल देती हूँ थोड़ा सी नींबू, आधा नींबू ले रही हूँ खट्टा फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा डालूंगी हरा धनिया। सारे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही चटाकेदार मसालेदार चाट बनेगा ये। शाम के टाइम में छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही टेस्टी स्नैक है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत फटाफट भी बन जाता है। तो ये बन गया चना दाल का चाट। अब इसे मैं सर्विंग कर लेती हूँ। अचानक से कोई गेस्ट भी आ गए तो आप इस तरह से चाट बना कर दे सकते हो, गेस्ट को भी बहुत ही पसंद आएगा। फाइनली थोड़ा सी नायलॉन सेव डाल देती हूँ, जैसे स्ट्रीट वाले डालते हैं ना, नायलॉन सेव से गार्निश करो या जैसे भी गेस्ट के लिए डालो, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा ही लग रहा है ना। थोड़ा सी और लुक बढ़ा लेते हैं हरा धनिया डालकर। तो ये चना दाल चाट बनकर रेडी हो गया है। तो आपको ये चना दाल चाट की रेसिपी कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें।